फेल होने के डर से बच्चों को बचाओ, इसके बारे में मैं बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति देते हूं। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। पूरे मानव जाति को एक डर है और वो है फेल होने का डर, का डर। मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे यश नहीं मिलेगा, मुझे सफलता नहीं मिलेगी, और उससे वो इतना डरा हुआ है इंसान कि वो कुछ चीजें अटेम्प्ट भी नहीं करता, कोशिश भी नहीं करता, ट्राई भी नहीं करता। बहुत बड़ा डर है। सबसे बड़ा डर जो है वो ये है, मतलब यदि कोई आपको मरने का डर है समझो, एखादे को तो मरने का डर है समझो नंबर वन, तो ये दूसरा है फेल्योर का, फियर ऑफ फेल्योर का नंबर टू। फियर ऑफ फेल्योर जो है वो कंप्लीटली इनऑथेंटिक है, काल्पनिक है। और काल्पनिक इसलिए है कि जब वो बच्चे को डर लग रहा है, जब वो बच्चे को डर लग रहा है तब तो कुछ नहीं हो रहा, उसको ऐसा लगता है कि भविष्य में मैं फेल हो जाऊंगा, एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, इंटरव्यू में फेल हो जाऊंगा, प्रैक्टिकल में फेल हो जाऊंगा, कब आगे, मतलब वो काल्पनिक है। देखो मैं समझ सकता हूं कि एखादे व्यक्ति को डर बहुत है और वो डर क्या कर रहता है कि भाई मर जाऊंगा। समझो आपके तरफ कोई चक्कू लेके आ गया, एकदम जोर से छुरा लेके आ गया और आपके आंग पे आ गए, तो आप डर जाएंगे क्योंकि आपको लगता है कि मारेगा मर जाऊंगा मैं, और इसलिए आप भाग गए तो ठीक है। थॉमस अल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की, 10,000 एक्सपेरिमेंट उसने किए, 9,999 बार वो फेल हो गया। और जब वो फेल होता गया तब उसको पूछा कि आप इतने बार फेल हो रहे, आपको कुछ लगता नहीं है? बोले मुझे कुछ लगता नहीं है, मुझे बहुत खुशी होती है कि इतने सारे तरीके हैं कि जो तरीकों से मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं तो मुझे सफलता मिलती नहीं है, इतना डर है। तो गिरे बिना तो सीखेंगे नहीं। ऐसे कितने व्यक्ति आपको मिलेंगे कि साइकिल भी सीखा लोगों ने तो साइकिल सीखने के समय वो गिरे नहीं। मेरे को तो मालूम है मैं कम से कम 10-15 बार गिराऊंगा साइकिल जब चलाना सीखा, तो मतलब बंद तो नहीं किया ना, साइकिल चलाना बंद तो नहीं किया, चालू तो रखा ही, गिरे तो भी फिर सीख गए। तो ये ऐसा है कि भाई ये काल्पनिक डर है, और ये काल्पनिक डर इसलिए कि आपको अतीत में, भूतकाल में ऐसा कुछ तो भी हुआ होगा कि जहां फेल हो गए आपने वो उसको उठाया और सामने ला के रख दिया, और आपको लगता है कि अभी भी फेल हो जाएंगे और वो डर है। या किसी का सुना होगा कह रहे वो फेल हो गया, देखो उसको मार पड़ गई, वो फेल हो गया, देखो इतना फाइनेंशियल लॉस हो गया, वो फेल हो गया, उसके हाथ में कटोरा आ गया, इससे अच्छा अपन करो ही मत। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।